हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं प्रभात मिश्रा, लोकमान्य तिलक स्कूल से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा एक अभ्यास एक हिंदी। अभ्यास का नाम भाषा है। भाषा के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चित्र में एक लड़का और एक लड़की बने हुए हैं। लड़का लड़की से पूछता है, तुम दिल्ली किसके साथ जा रही हो? लड़की लड़के को बता रही है, मैं अपने मामा जी के साथ दिल्ली जा रही हूँ। बच्चों, ऊपर लड़का व लड़की बातें कर रहे हैं, मगर उनके बात करने का साधन क्या है बताओ? आपका उत्तर है बोलना और सुनना। बच्चों, बोलना और सुनना ही भाषा है, अर्थात लड़के ने अपनी बात बोलकर कही और लड़की ने सुनकर उसका उत्तर दिया। व्याकरण में अपनी बात को समझाने के साथ धन को भाषा कहते हैं। अपनी बात को समझाने और दूसरों की बात को समझने का साधन ही भाषा है। अभ्यास के भाषा के रूप। हम अपनी बात को दूसरों तक दो तरीकों से पहुंचाते हैं, बोलकर लिखकर। बोलकर, चित्र में लड़का कुछ लड़की से बोल रहा है, कल मेरा जन्मदिन है और तुम्हें ज़रूर आना है। लड़की उसे सुनती है और जवाब देती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। लिखकर, ऊपर बोर्ड पर लिखकर बात समझाई गई है और पढ़कर उसे समझा गया है, कृपया फूल ना तोड़ें। इस बाग में फूल के पेड़ लगे हुए हैं तो इसे ना तोड़ने के लिए एक लिखित बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है कृपया फूल ना तोड़ें। इसे पढ़कर लोग फूल को नहीं तोड़ेंगे। प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, अपनी बात को समझाने और दूसरों की बात समझने का साधन भाषा है। प्रश्न दो, भाषा कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा व लिखित भाषा। आओ अभ्यास करते हैं। उन चित्र पर सही का निशान लगाओ जिन पर भाषा का प्रयोग हुआ है। पहले चित्र में दो बच्चे खेल रहे हैं तो गलत है। दूसरे चित्र में दो व्यक्ति एग्जाम परीक्षा में अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उत्तर को लिख रहे हैं तो ये लिखित भाषा का रूप है, ये सही है। तीसरे चित्र में औरत ऊन से कुछ क्रिया कर रही है तो ये गलत है। चौथे चित्र में औरतें बातें कर रही हैं, ये सही है, क्योंकि एक महिला दूसरी महिला से कुछ कह रही है तो पहली महिला दूसरी महिला को सुन रही है। तीसरा चित्र ये गलत है, इसमें व्यक्ति भोजन ग्रहण कर रहा है, ये ना ही लिखित भाषा है ना ही मौखिक भाषा है। छठा चित्र, दादाजी अब अखबार को पढ़ रहे हैं तो ये लिखित भाषा को पढ़ रहे हैं। देखो और लिखो, भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है? पहले में महिला टीचर ब्लैकबोर्ड पर लिखित भाषा को लिख रही है, इसमें लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरे चित्र में नेताजी अपने वाणी से हमें बोध करा रहे हैं तो ये मौखिक भाषा है। तीसरे चित्र में व्यक्ति ट्रांजिस्टर को सुन रहा है, ये मौखिक भाषा है। चौथे चित्र में व्यक्ति कुछ लिख रहा है तो ये लिखित भाषा है। पांचवें चित्र में एक पुरुष टीवी को सुन रहा है, ये मौखिक भाषा है। छठे चित्र में एक अभ्यास पुस्तिका पर कुछ डिज़ाइन बनाए जा रही है, लिखित भाषा है। पार्ट दो पुनरावृत्ति, पार्ट तीन दो वर्णों वाले शब्द, पार्ट चार तीन वर्णों वाले शब्द, पार्ट पाँच चार वर्णों वाले शब्द। यूनिट वन सिलेबस क्लास वन हिंदी, पार्ट एक भाषा। क्वेश्चन आंसर, भाषा किसे कहते हैं? आंसर,
अपनी बात को समझाने और दूसरों की बात को समझने का साधन ही भाषा है। भाषा कितने प्रकार की होती हैं? भाषा दो प्रकार की होती हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। आज के लिए इतना ही। बच्चों, घर पर जाकर अपनी अभ्यास पुस्तिका को निकालें और अपने प्रश्नों को देखें और उत्तर का लगाने की कोशिश करें। आप लोग भी कार्य अभ्यास जरूर कीजिएगा। अपडेट रहिए लोकमान्य तिलक स्कूल, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।